जीवन मंत्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग जीवन मंत्रा चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, जीवन मंत्रा में जो नुस्खे हम आपको बताते हैं वो वैद्यों और एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक होते हैं, इसलिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों को भी इस चैनल के बारे में आप बताएं। दोस्तों, पैरों में जलन की समस्या आम समस्या बनकर उभर रही है। ये समस्या कभी कभी मधुमेह, शराब के अधिक सेवन और विषाक्त पदार्थों के जोखिम के साथ भी जुड़ी होती है। अन्य कारणों में विटामिन बी, फोलिक एसिड, थियामीन या कैल्शियम की कमी, एथलीट फुट, कीड़ों का काटना, चोट, पैर सिंड्रोम और क्रॉनिक किडनी रोग भी इसमें शामिल हो जाते हैं। साथ ही अपने चिकित्सक से आप उचित निदान और उपचार के लिए परामर्श कर सकते हैं। लेकिन आप हमारे आयुर्वेद के कुछ समाधान हैं और घरेलू समाधान हैं, उनके जरिए भी आप अपने पैरों की जलन को दूर कर सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो आइए इस वीडियो में विस्तार से देख लेते हैं पैरों की जलन को दूर करने के घरेलू और साधारण से उपाय। इसके लिए आपको सबसे पहले सेंधा नमक का उपयोग करना है। सेंधा नमक पैरों की जलन को शांत करने और जलन को तुरंत राहत देने के लिए मदद करता है। मैग्नीशियम सल्फेट से बना सेंधा नमक सूजन और दर्द को कम करने में मदद करता है, साथ ही नर्वस के कार्यों को ठीक काम करने के लिए मदद करता है। एक टब गुनगुने पानी में आधा कप सेंधा नमक मिलाकर अपने पैरों को उसमें डालें। इस मिश्रण में अपने पैरों को 10 से 15 मिनट के लिए भिगोकर रख दें। इस उपाय को कुछ दिनों के लिए आप नियमित रूप से करें। सेंधा नमक के पानी का इस्तेमाल मधुमेह, उच्च रक्तचाप या दिल की बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए उपयुक्त नहीं होता है, इसलिए इसके इस्तेमाल से पहले आप अपने चिकित्सक की सलाह लें। जिन लोगों के पैरों में जलन है उनके लिए अदरक भी रामबाण साबित हो सकती है, क्योंकि अदरक पैरों की जलन को दूर करने वाली एक और कारगर औषधि मानी जाती है। इसमें मौजूद कई सक्रिय घटक रक्त परिसंचरण बढ़ाने में मदद करते हैं, जिससे आपके पैरों की जलन जो है उससे तुरंत राहत मिलेगी। समस्या होने पर आप थोड़े से गुनगुने नारियल या जैतून के तेल में एक चम्मच अदरक का रस मिला लें, फिर इस मिश्रण से अपने पैरों में 10 से 15 मिनट के लिए मालिश करें। इसके अलावा नियमित रूप से 2 से 3 कप अदरक की गर्म चाय पीने से सूजन और दर्द को कम करने में मदद मिलती है। राहत पाने के लिए इस उपाय को कई दिनों तक आप कर सकते हैं। आप चाहें तो अजवाइन के फूलों का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? वैद्यों के अनुसार थाइम पैरों की जलन के इलाज में मदद करता है। यह रक्त परिसंचरण को बढ़ावा देने और संकीर्ण रक्त वाहिकाओं में मदद करता है। इससे जलन में राहत मिल जाती है। थाइम में मौजूद एंटी माइक्रोबियल गुण के कारण ये एथलीट फुट के कारण होने वाली जलन के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। समस्या होने पर एक मुट्ठी अजवाइन के फूल को 2 बाउल में भिगो दें, फिर एक टब में गर्म पानी और दूसरे में ठंडा पानी लें। प्रत्येक टब में बाउल वाले अजवाइन के फूल को मिलाएं। अब 3 से 5 मिनट के लिए गर्म पानी के टब में और फिर कुछ मिनट के लिए ठंडे पानी के टब में अपने पैरों को भिगो दें। ये उपाय 20 मिनट के लिए अगर आप करेंगे तो आपके पैरों की जलन उड़न छू हो जाएगी। दोस्तों, जीवन मंत्रा जीवन की एक ऐसी पद्धति है जिसमें आप निरोग बनते हैं, स्वस्थ रहते हैं और आप लंबा जीवन जीते हैं। दोस्तों, जीवन मंत्रा में आज इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।